दोस्तों दो कबूतर आसमान लगे हुए हैं और एक ये तुरमची आ गई है, शायद आपको दिख रही होगी ऊंचाई पे है। दो कबूतर मेरे आसमान बनने, और शायद जो दो कबूतर गए मेरे वो शिकारी हुए थे। देखिए अगर दिख जाए तो, ये देखिए ये तुरमची है जो दौड़ा रही है कबूतरों को। ये देखिए देखिए शिकार करा, ये देखिए कोशिश करा, ये बचे, एक बचा एक बचा। ये देखिए ये कोशिश कर रही है, पता नहीं मेरे आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, पर कोशिश तो है पूरी कि एक एक चीज़ दिखाओ। दो कबूतर आसमान में है और ये तुरमची, वो देखिए वो फिर से टूटी, वो लंबी गई उधर, लंबी गई। और मैं अपने कबूतर को देखता हूँ दोस्तों, दो कबूतर आसमान में है और देखिए उड़ते ही सीधे तुरमची आई, जो तेज तेज स्पीड में पकड़ती है ना कबूतर, तुरमची बोलते हैं उसको। तो इसे शायद उड़े थे तब ये शिकारी हुए थे मेरे दो कबूतर, दो कबूतर वापस आ गए। अभी देखेंगे शायद वो कबूतर, देखते हैं अपन। इधर बैठे हुए हैं, 17 कबूतर बिठाए थे आज मैंने ऊपर, ऊपर दिख जाए कि नहीं दिखे। दोस्तों अल्लाह का शुक्र है दोनों कबूतर सही सलामत है, दिख रहे हैं। ये देखिए आप बिल्कुल आसमान में, अगर दिख जाए तो कोशिश करता हूँ मैं। क्या है, नया मोबाइल लेना पड़ेगा फोकस करने के लिए। दो कबूतर मेरे को दिख रहा है मेरे उड़ते हुए, और बहुत बुलंदियों पे माशाल्लाह। ये नर ही नर छोड़े थे मैंने, तो ये अभी दोपहर में अंदर उड़ गए थे। देखिए एक तो ये आ रहा है तेज़, ये तेज़ स्पीड में ही आ रहा है, दोनों की स्पीड तेज़ है। एक ऊंचाई पे और एक नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ऊपर बहुत तेज चला रहे हैं वो। चलिए नीचे आते हैं तो मैं दिखाता हूँ आपको, वो भी आज नए नए, ये अक्टूबर चल रहा है एंड आज शायद 30 अक्टूबर है, ये 29 है नहीं 29 ही, आज 29 अक्टूबर है जुमे का दिन। तो जुमे की नमाज के बाद ये कबूतर ऊपर करे थे मैंने, तो इसमें दो कबूतर उड़ान भर ली है उन्होंने, तो उड़ते ही तुरमची आई। बाज नहीं आया, तुरमची आई, बाज तो ले ही जाता है, बाज का ये देखिए दोनों कबूतर अब दिखेंगे शायद। इधर हो जाओ मैं भी कोने पे, तो शायद मेरे को भी नज़र आए इससे, तो मैं आपको भी अच्छे से दिखा सकूँ। दोस्तों अभी तुरमची गई, कबूतर नज़र आ गए थे, और उसके बाद ये बाज भी नज़र आ गया साहब। अब ये बाज घूम रहा है छत की तह पे, इस तरफ शायद दिख जाए, बहुत ऊंचाई पे है बाज भी। ये देखिए दिखाओ, तो दो कबूतर पूरे आसमान बंद चल रहे हैं अपने, एक घंटा के करीब हो गया, क्योंकि उसके तुरमची के अटैक के बाद नज़र भी आए थे, और उसके बाद अब गायब है। जब से बाज नज़र आया तो शायद आसमान में बनने फिर से, तो हर चीज़ का छोटी छोटी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा, जो भी कबूतर उड़ेगा जाएगा जितनी देर में बैठेगा। सारे बैठे हुए अभी धूप सेक रहे हैं, धूप सेकाने के लिए बिठाए थे, क्योंकि दिसंबर में टूर्नामेंट है, तो इसलिए बिल्कुल नहीं उड़ा रहे इनको। जब उड़ा नहीं रहे तब ये हालत है, तो जब उड़ाना चालू करेंगे तब क्या हालत होगी, ये आप खुद सोच सकते हैं। तो चलिए देखेंगे कबूतर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों कुछ और आगमन देख सकते हैं आप, ये अक्टूबर का नज़ारा है, ये एक तब नज़र आया था, तीन ये नज़र आ गए, और एक इसके नीचे भी है, ये देखिए इस तरफ, ये चार, मतलब पांच है टोटल, और दो कबूतर है। तो बहुत ख़तरनाक माहौल रहता है साहब ये भोपाल का, कबूतर उड़े नहीं, और बाज बेड़ी लग्गर तुरमची शिकरे ये सब आए नहीं, और ग्रुप बना लिए आजकल इन्होंने, ग्रुपों के अंदर रह के हमला कर रही हैं। तो आपने देख ही चुके हैं, परसों चार कबूतर गए थे, कल वापस दो कबूतर आए, और आज फिर दो कबूतर उड़े, और नामो निशान नहीं है अभी, ऊपर कहीं दिखने रहे कबूतर, दो दिखे तो थे लेकिन उसके बाद जो गायब हुए तो गायब ही है अभी तक। दोस्तों एक कबूतर नज़र आया है दौड़ता हुआ, देखिए शायद आपको भी दिखाऊँ अगर दिख जाए तो, एक कबूतर नज़र आ चुका है, ये जंगली पीछे पड़ा हुआ है हमारे कबूतरों के, नर ये मादे ने शायद तो पीछे पड़ रहा है, और एक कबूतर अभी नज़र आया मेरे को,
दूसरा और नजर आएगा और नीचे आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल बूंद बने हुए हैं कबूतर, एक कबूतर दिखा है, दूसरा नहीं दिखा अभी तक। ये देखिए गाइस, शायद आपको नजर आ जाए, पूरा फोकस कर रहा हूँ लेकिन फोकस नहीं हो रहा। नजर आ चुका है कबूतर। तो साहब ये आ चुके हैं हमारे यहाँ, एक ये आ रहा है एक वापस। ये देखिए आ जाए फोकस पे। तो फोकस पे नहीं आ रहा, ये आ रहा है वापस। एक कबूतर और दिख रहा है, बाकी है वो नहीं दिख रहा अभी। एक तो ये नीचे आ गया, दूसरा और कोशिश करते हैं ढूंढने की अभी, अल्लाह खैर करे। आ जाओ बेटा आ जाओ, देखो अभी घबराया हुआ है वो कबूतर, हो सकता है शिकार हुआ हो दूसरा कबूतर आसमान में, जिसकी वजह से ये घबरा रहा है, क्योंकि आसमान में एक दूसरे को सब नज़र आ जाते हैं। और मैं भी कोशिश में हूँ कि दूसरा कबूतर भी दिखे आसमान में मेरे को, तो बैठा हुआ हूँ मैं ऊपर। दोस्तों जो दिख रहा था वो भी गायब हो गया, इधर एक बाज नज़र आया इसकी वजह से, इधर एक बाज है ये देखिए, हल्का सा नज़र आया था अभी, कहीं पे आएगा नज़र, यहाँ पे बाज घूम रहा है एक, तो इसकी वजह से वो जो दिख रहा था वो फिर से वापस बंद हो गया, नीचे आने की तैयारी पे था वो। ये देखिए अब दिखा, ये दिखा ना, ये बाज है, ये बाज घूम रहा है बिल्कुल आसमान में, तो इसकी वजह से वो वापस भग गया। दोस्तों ये वापस आता हुआ कबूतर हमारा ये दिख रहा है, गायब हो गया था ये, लेकिन बाज गया तो फिर ये नज़र आने लग गए। ये देखिए हम नीचे उतार की तरफ है, ये आ रहे हैं वापस, इसके ऊपर एक और कबूतर होगा। तो दोस्तों ये आ चुका है एक कबूतर अपना वापस, ये आ रहा है, ये आ गया, ये रामपुरी कबूतर है दोस्तों अपना, जो वापस आया है रामपुरी कबूतर है ये, ठीक है। अब इसके बाद एक और का इंतज़ार है, वो और आ जाए तो और मज़ा है, दिख तो जाए, दिख भी नहीं रहा वो कबूतर, वो आसमान में बंदे बिल्कुल लगा हुआ है, ये गर्मियों में भी उड़ा चुका है, इसके कलर लगा हुआ है हल्का सा, तो गर्मियों का उड़ा हुआ कबूतर है अपना। दोस्तों मैं नीचे चले गया था, ये दूसरा भी आ चुका है ये था, और जो पहले आया था वो ये है, कलर लगा हुआ है, मैं कलर दिखाता हूँ इधर, ये गर्मी में उड़ा हुआ कबूतर है, देखिए इसके कलर लगा हुआ है। तो ये 17 कबूतर टोटल थे, अपन गिन भी लेते हैं, 3 3 6 7 8 9 9 और 10 और ये 11 12 13 14 15 15 15 दिख रहा है, 16 ये ऊपर आया, चलो ऊपर से गिनते हैं एक बार, दोबारा से गिनते हैं, 3 3 6 7 8 9 9 ये हो गए, 10 11 12 13 14 15 16 17 17 के 17 वापस आ चुके हैं दोस्तों। तो आज का दिन अच्छा रहा, कोई कबूतर गया नहीं, वापस आ गए सारे कबूतर, तो 17 बिठाए थे, 17 ही मौजूद मिले, और दो कबूतरों ने बाज बेरी को थोड़ा पंगा भी लिया और वापस आए। लेकिन भोपाल में दोस्तों उड़ाना बहुत मुश्किल है, कबूतर ज़रा से उड़ते नहीं है, और चार चार पाँच पाँच बाज बेरी आ जाते हैं इनको पकड़ने, इनके दुश्मन बहुत है, आसमान के अंदर भी दुश्मन है और ज़मीन के ऊपर भी दुश्मन है, कुत्ते बिल्ली चूहे, और सबसे बड़ा दुश्मन दो टांग वाला है जो कि आप और हमें, उनके सबसे बड़े दुश्मन के कहीं बैठे ना हो, चाहे उसके ऊपर टावर के ऊपर बैठे हो, चाहे कहीं पर हो, वहाँ से पकड़ के लेके आ जाते हैं इनको। तो दोस्तों मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब उड़ान चालू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो,
जय हिंद जय भारत।